जानते हैं। और तो ये लगे उसका उसको आज मैं बॉर्डर की आवाम की तरफ से और खासकर जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस की तरफ से हुकूमत हिंद और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो ये माहिदा किया जिससे लोगों की जान बच पाएगी, जिनसे लोगों की तकलीफें दूर हो पाएंगी, जिनसे लोगों का जो एहसास ग्राउंड के ऊपर बॉर्डर के रहने वाले लोग जो खौफ ज़दा रहते हैं, जो रोज़ गोलियों की बौछार में रहते हैं, मैं हुकूमतों का शुक्रगुजार हूँ और दोनों हुकूमतों को खुश आमदीद कहते हैं बॉर्डर के लोग कि आपने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया जो बहुत जल्दी पहले लेना चाहिए था। और हम दुआगो हैं अल्लाह ताला से कि आने वाले वक्त में भी बॉर्डर के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए, उनकी परेशानियों को समझते हुए, उनके माल बाल बच्चे और माल मवेशी की नुकसान को समझते हुए ऐसे माहिदे को आगे बढ़ाया जाए और मोहब्बत और खुशी की लहर फिर बॉर्डर के लोगों के पास फिर लाई जाए और जिससे हम लोग तरक्की के ऊपर चल सके और हम तरक्की कर सके। सबसे पहले जाऊँ कि 2002 में जिस वक्त सेलिंग थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़ा अच्छा फैसला लिया था। उस वक्त दोनों तरफ दोनों मुल्क के जंग के तोपें की गर्जाट आ रही थी, यहाँ से भी शेलिंग हो रही थी, वहाँ से भी शेलिंग हो रही थी। हमारे लोग फिर जिस वक्त सीज़फ़ायर हुई, हमारे लोगों ने डेवलपमेंट थोड़ी सी बॉर्डर के इलाके में शुरू की, अपने मकान वगैरह बनाना शुरू किए। उसके बाद जिस वक्त अब हमें 3-4 साल से हम देख रहे हैं कब जंग हो रही है, कब ये हो रहा है, कब वो हो रहा है। हमारे लोग तो बहुत बड़े परेशान थे क्योंकि दिन भर मजदूरी करके अपने बाल बच्चे के लिए घर में राशन लाते थे, रात को अपने बच्चों को लेके कभी किसी घर में घुसते थे, कभी किसी घर में घुसते थे। हमें तो सबसे बड़े बॉर्डर इलाके के लोगों के लिए ये बड़ी खुशी का मकाम है कि हमारे दोनों मुल्क के दरमियान जो ये बाइमी फैसला हुआ है। हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहेंगे कि इसी के वक्त बावजूद हमें इस बॉर्डर इलाके में इसके बाद डेवलपमेंट होगी, अगर ये शेलिंग वगैरह रुकेगी तो डेवलपमेंट हमारे लोगों की होगी। हमारे बिजली के पानी के मसाइल हैं बॉर्डर के लोगों के, क्योंकि जिस वक्त भी हम काम करना चाहते थे अपने बॉर्डर इलाके में उस वक्त शेलिंग शुरू हो जाती थी, हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते थे। हमारे इलाके में कोई जाना आना नहीं पसंद करता था। अब हम तवक्को रखते हैं गवर्नमेंट की कि कोई भी बाहर से हमारा मंत्री, कोई भी हमारे LG साहब, हमारे ये क्या नाम है एडवाइजर साहब हमारी बॉर्डरों पे आएंगे, हमारे लोगों की जरूर बात सुनेंगे, डेवलपमेंट होगी। शुक्रिया। रहमान रहीम, मैं सरपंच बल्लोई पंचायत से जो कि बॉर्डर इलाके से मिली हुई है और हिंदुस्तान पाकिस्तान के सेंटर में मेरी बल्लोई पंचायत पड़ती है जो कि LOC के साथ में है। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का दोनों सरकारों का, दोनों देशों का खैर मकदम करता हूँ और खुशी आमदीद कहता हूँ। मैं इस बात के लिए सल्यूट करता हूँ कि दोनों देशों के मंत्री बैठे और इस चीज़ के पे फैसला लिया कि सीज़ फायर वायलेशन नहीं होना चाहिए। सीज़ फायर वायलेशन नहीं होगा तो हम अपनी ज़िंदगी में आराम से जी पाएंगे, हमारे बच्चे स्कूलों तक पहुंच पाएंगे, हमारी डेवलपमेंट होगी, हमारे तरक्की के काम होंगे। तो इस बात के ऊपर हम दुआ ये करते हैं, दोनों देशों से विनती करते हैं कि इस चीज़ के ऊपर ये एग्रीमेंट को बहाल रखा जाए और इसके ऊपर
कड़ा फैसला लिया जाए ताकि सीज फायर वायलेशन ना हो, इसके ऊपर हम सरकारों का शुक्रिया अदा करते। और रह गया नेक्स्ट बात ये कि आपने देखा होगा काफ़ी बार में इस चीज़ के लिए मुद्दे उठाता था कि बॉर्डर के ऊपर फायरिंग होती है, बैंकों का इशू होता था काफ़ी चीज़ों का, तो फायर बंद हो जाए तो हम सबसे ज़्यादा हमारे इलाके की तरक्की हो सकती है। और हम इस चीज़ के लिए आपका खैर मकदम करते हैं।